सुनहरे बालों वाला शैतान। बहुत अरसा पहले एक छोटे से शहर में एक गरीब किसान दंपति की किस्मत जाग उठी थी। उनके यहाँ एक बेटा हुआ था जिसके बाएं कान के पीछे राजदंड का निशान था। इस लड़के के बारे में भविष्यवाणी की गई थी कि वो बहुत महान होगा। वो न केवल अपने माता पिता का भाग्य और धन का कारण बनेगा परंतु पूरे शहर के लिए भी। ये भी माना जाता था कि जैसे ही वो बड़ा होगा तो उसका विवाह राजा की बेटी से होगा। उनका मिलन किस्मत में था। ये दंपति बहुत खुश थे। जब राजा को इस लड़के के बारे में पता चला तो वो बहुत क्रोधित हो उठा। एक किसान का बेटा कैसे उसकी बेटी से शादी कर सकता है जो एक राजकुमारी है। उसने भेष बदलकर एक धनवान जमींदार का रूप लिया और वो किसान के घर गया। उसने ये झूठ बोला कि वो निसंतान है और उसने उन माता पिता को बच्चे के बदले 2 सोने के थैले पेश किए। दंपति ने कुछ देर सोचा। उन्होंने विनम्रता से सोना लेने से इनकार कर दिया पर अपने पुत्र को देने के लिए सहमत हो गए। वो जानते थे कि वो अपने बच्चे को वो सब देने के योग्य नहीं है जिसका वो हकदार है। राजा ने उस बच्चे को लिया और उसे एक लावारिस बैलगाड़ी में छोड़ दिया जो शहर के बाहर खड़ी थी। वो इस लड़के को अपनी बेटी से दूर रखना चाहता था। उस तूफानी रात में राजा ने सोचा कि उसने तकदीरें बदल दी हैं, पर ऐसा नहीं होना था। राजा के जाने के थोड़ी देर बाद ये बच्चा एक विनम्र व्यक्ति को मिला। उसकी पत्नी और उसकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने बच्चे का नाम रखा लियो और उन्होंने फैसला किया कि वो उसे अपने बच्चे की तरह पालेंगे। बहुत साल गुजर गए और लियो एक बहुत ही होनहार होशियार नौजवान के रूप में बड़ा हुआ। एक बार जब वो जंगल पार कर रहा था। क्षमा करना हुजूर, क्या आपको हॉग्स के शहर का रास्ता मालूम है? ओह, ये बहुत ही आसान है। उस अजीब से लगने वाले पेड़ से आप बाएं मुड़िए और फिर। नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैंने उसे दूर भेज दिया। जैसे ही वो बड़ा होगा उसका विवाह राजा की बेटी से होगा। नहीं, मैं कभी उसे अपनी बेटी से शादी नहीं करने दूंगा। अब मैं क्या करूं? रुको, मेरे पास एक उपाय है। सुनो ए लड़के, मेरे पास एक बहुत ही शाही आदेश है जो महल में महारानी को सुरक्षित पहुंचाना है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही ये ध्यान रहे कि इस पत्र को खोलना मत। ओह, मैं समझ सकता हूँ महाराज, मैं लिफाफा नहीं खोलूंगा। ठीक है, मैं तुरंत प्रस्थान करता हूँ। ओह, कृपया यही करो। जितनी जल्दी तुम वहाँ पहुँचोगे उतनी ही जल्दी तुम्हारा अपनी तकदीर से सामना होगा। लियो ने अपनी यात्रा शुरू की, इससे बिल्कुल अनजान कि उसकी खोज तो अब शुरू हुई थी। उसने घंटों घुड़सवारी की। महल अब कुछ ही मिनट की दूरी पर था, पर अचानक घोड़े के सामने एक सांप प्रकट हुआ। बिली, शांत हो जाओ। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? बिली, रुक जाओ। जब तक घोड़ा रुका, लियो एक घने जंगल में पहुंच चुका था, महल से कोसों दूर। शुक्र है, उसे एक छोटा सा घर मिल गया। वो अपने घोड़े से उतरा और उसने लकड़ी के दरवाजे पर दस्तक दी। सुनिए, मेरा नाम लियो है। मैं महल की तरफ जा रहा था एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाने के लिए, पर मैं अपने रास्ते से भटक गया हूँ। क्या आज रात मैं यहाँ रुक सकता हूँ? ये तो बहुत ही अच्छा घर है। धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ रुकने दिया। लगता है कि तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। ओह, मैं जानता हूँ, तुम जिंजर हो। शहर में लोग तुमसे बहुत भयभीत रहते हैं। वो कहते हैं कि तुम घरों को लूटते हो, पर अजीब बात तो ये है कि उन्हें ये भी नहीं पता कि आखिर तुमने किस घर को लूटा है। वो इसलिए क्योंकि मैंने लूटा नहीं। खैर, जो कुछ भी हो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी लोगों ने मेरा विश्वास नहीं किया,
शायद वो मेरा ये रूप देखकर मुझसे डर जाते हैं, पर तुम से क्यों नहीं डरे? खैर, मैं लोगों से प्रेम करता हूँ, पर मुझे वो सब कुछ सुनने की जरूरत नहीं जो वो कहते हैं। वो उन लोगों के बारे में बातें करते हैं जिनको वो जानते भी नहीं। मेरा मतलब है, तुमने तो एक अजनबी को एक रात के लिए अपने घर में रहने दिया है ना? मेरे ख्याल से ये उदारता है। जिंजर हैरान रह गया। इतने सालों में कभी किसी ने उसे अच्छा नहीं कहा था। लियो ने कुछ खाना खाया और सीधे सोने चला गया। जिंजर को ये बहुत अजीब लगा कि एक आम नागरिक को शाही संदेश पहुंचाने के लिए कहा गया था। उसने लियो के जैकेट में रखे लिफाफे को देखा। उत्सुकतावश उसने उसे खोलने का फैसला किया। इस पत्र को यहाँ लाने वाले को तुरंत जीवन भर के लिए तहखाने में फेंक देना होगा। राजा ऐसी कोई मांग क्यों करेगा? राजा दिल से दुष्ट है, लियो इसका हकदार नहीं। जिंजर ने वो पत्र फाड़ दिया। उसने एक कोरे कागज पर एक नया संदेश लिखा और उसे शाही लिफाफे में डालकर वापस उसकी जगह पर रख दिया जहां वो था। अगले दिन जब पत्र लेकर लियो महल पहुंचा, इस पत्र को लाने वाले का विवाह तुरंत राजकुमारी के साथ कर दिया जाना चाहिए। तुरंत राजकुमारी बेला को बुलाओ। बेला, तुम्हारे पिता की इच्छा है कि तुम इस नौजवान के साथ शादी करो, क्या तुम राजी हो? जैसा कि तकदीर में लिखा था, जैसे ही लियो और बेला ने एक दूसरे की तरफ देखा, उन्हें प्रेम हो गया। मैं अवश्य से विवाह करूंगी माँ। रानी बहुत खुश हुई। उसी दिन विवाह हो गया। लियो और बेला बहुत खुश थे। पर ज्यादा देर नहीं, जब राजा वापस आया तो वो ये जानकर आग बबूला हो उठा कि ये क्या हुआ। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। लियो अब एक राजकुमार था। किसी भी तरह राजा के लिए अपने दामाद को तहखाने में डालना मुमकिन नहीं था। उसने एक और योजना सोची। ओ, मेरा दिल टूट गया है। मैं जानता हूँ, मुझे तुम्हें ये बता देना चाहिए था कि राजकुमारी पर श्राप है कि वो अपने विवाह के सातवें दिन के बाद मर जाएगी। केवल एक और केवल एक ही बात उसे बचा सकती है, शैतान के तीन सुनहरे बाल। मैं तुम्हें जाने पर मजबूर नहीं कर सकता। मैं जरूर जाऊंगा। मैं अपनी पत्नी को कुछ नहीं होने दूंगा। लियो ने अपनी पत्नी को अलविदा कहा। शैतान तक पहुंचने का उसका रास्ता उसे एक बहुत बड़े शहर में ले गया, और जब उसने अंदर घुसने की कोशिश की, द्वारपाल ने उसे रोक लिया। अगर तुम अंदर जाना चाहते हो तो सबसे पहले ये पहेली सुलझाओ। मुझे बताओ, क्यों हमारे मालिक का फव्वारा, जो हमें कभी दाख मधु देता था, अब वो हमें पानी तक नहीं देता? ऐसा भला क्यों हो रहा है? लियो ने कुछ देर सोचा। मैं तुम्हारी समस्या का हल जानता हूँ, लेकिन इस समय मैं तुम्हें वो नहीं दे सकता। तुम्हें पता है, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज पर जा रहा हूँ, और मुझे ये बताया गया है कि कोई जो मुझे किसी प्रश्न का उत्तर देने पर मजबूर करता है, इससे पहले कि मैं अपनी खोज पूरी करूँ, वो एक बकरी बन जाएगा। वैसे ये बताओ, तुम्हारा प्रश्न क्या था? वो किसी फव्वारे के बारे में था क्या? नहीं। जल्दी क्या है, तुम इसका उत्तर मुझे लौटते वक्त भी दे सकते हो। ओह, आप जैसा उदार व्यक्ति मैंने नहीं देखा। आपका धन्यवाद। लियो आगे चला गया और वो एक और शहर में आया। द्वारपाल ने उससे पूछा, बताओ मुझे, वो पेड़ जिसमें कभी सोने के सेब लगते थे, अब उसमें बस पत्ते लगते हैं। लियो ने उसे उत्तर दिया और द्वारपाल ने उसे खुशी खुशी अंदर आने दिया। जैसे ही लियो ने सोचा कि यह अजीब पहेलियों का सिलसिला खत्म हो गया है, वो एक नाव चालक के पास आया, जिसने उससे एक और प्रश्न पूछा। मैं तुम्हें दूसरी तरफ ले जाऊंगा, पर मुझे एक बात बताओ।
मैं लोगों को उस पार ले जाता हूँ और वापस भी ले आता हूँ, पर मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं आता। मैं इसे कैसे बंद करूँ? लियो ने आह भरी और नाव चलाने वाले से बकरी का जिक्र किया। स्वाभाविक है, नाव चालक ने सोचा कि बकरी बनने से बेहतर तो नाव चलाना ही है। वो लियो को दूसरी तरफ ले गया और उसे अलविदा कहने लगा। अंत में लियो शैतान के अड्डे पर पहुंच गया। बाहर उसने देखा कि कोई एक पेड़ से आम तोड़ने की कोशिश कर रहा है। क्षमा करना, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं इन आम को हाथ नहीं लगाऊंगी। क्या तुम मेरे पोते नहीं हो? ओह, मैंने सोचा कि ये शैतान है। तुम यहाँ क्यों आए हो? शैतान आपका पोता है? ओह, तो फिर ठीक है। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि वो कहाँ पर है अभी? मुझे उससे तीन पहेलियाँ पूछनी हैं। लियो ने अपनी पूरी कहानी शैतान की दादी को सुनाई। क्या? राजा ने कहा कि शैतान के तीन सुनहरे बाल शाप मुक्त कर देंगे? लगता है राजा मेरे पोते से भी ज्यादा दुष्ट है। तुम बहुत मासूम लड़के हो। तुम्हारा ससुर चाहता है कि तुम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ो, इसलिए उसने तुम्हें यहाँ भेजा। रुको, क्या ऐसा हो सकता है? लो, शैतान आ गया। देखना चाहूंगी कि तुम्हारे साथ क्या सलूक करता है। लियो बहुत ही होशियार नौजवान था। उसने कुछ देर सोचा और दादी के साथ एक सौदा किया। दादी को लियो को बचाना था और उन तीन पहेलियों के उत्तर देने थे जो द्वारपालों और नाव चलाने वालों ने पूछी थी, और बदले में वो शैतान को नहीं बताएगा कि उसकी दादी आम खाने की कोशिश कर रही थी। तुम बहुत होशियार हो। ठीक है, सौदा पक्का। शैतान की दादी ने लियो को एक चींटी के रूप में बदल दिया और उसे अपनी जेब में रख लिया। जब शैतान आया तो वो इतना थका हुआ था कि वो तुरंत ही सो गया। दादी माँ, तुम क्या कर रही हो? मुझे कितना भयंकर सपना आया। मैंने देखा कि वहाँ एक फव्वारा है जिसमें कभी दाग मधु होता था, पर अब उसमें कुछ भी नहीं है, पानी भी नहीं। वो इसलिए क्योंकि फव्वारे के नीचे एक बहुत बड़ा मेंढक रहता है। किसी को उसे वहाँ से हटाना होगा, दाग मधु फिर से बहना शुरू हो जाएगी। अब मुझे सोने दो। कुछ देर बाद जब शैतान गहरी नींद में सोया हुआ था, उसकी दादी माँ ने एक और सुनहरा बाल तोड़ लिया। अब क्या? एक और सपना। वहाँ एक सुंदर पेड़ है जिसमें सोने के सेब उगते हैं, और अब उसमें बस पत्ते हैं। बेचारा पेड़। एक चूहा उसकी जड़ें कुतर रहा है दादी माँ। किसी को उस चूहे को वहाँ से हटाना होगा। ठीक है, तुम फिर से सो जाओ, मैं भी सो जाती हूँ। नहीं, मैं जानता हूँ कि तुम फिर से बाल खींचोगी, तो ये लो। अब मेरे पास तुम्हारे तोड़ने के लिए बाल नहीं रहेंगे। तुम खुश हो? वैसे मेरे पास एक और पहेली है। वो क्या है? वो नाव वाला लोगों को क्यों आर पार ले जाना बंद नहीं करता? वो ऐसा नहीं करना चाहता, वो इसे कैसे बंद करे? वो इसलिए क्योंकि उसके चप्पूओं पर श्राप है। उसे अपने चप्पू किसी और को पकड़ाने होंगे ताकि वो इस श्राप से मुक्त हो सके। क्या मैं वापस सो सकता हूँ? बेशक, शुभ रात्रि। उसके बाद दादी माँ ने लियो को इंसानी रूप में रूपांतरित कर दिया और उसे वो तीन सुनहरे बाल पकड़ा दिए। लियो ने उसे प्रणाम किया और जल्दी वहां से निकल गया, इससे पहले कि वो अपना मन बदल पाती। क्या तुम्हारे पास जवाब है? हाँ, बिल्कुल मेरे पास है, लेकिन सबसे पहले मुझे खेकर पार ले जाओ।
एक बार मैं दूसरी तरफ पहुंच जाऊं तो मैं वो जवाब दे दूंगा। नाव चलाने वाले ने वही किया जो उससे कहा गया था। किसी और को अपने चप्पू पकड़ा दो तो तुम मुक्त हो जाओगे। अब अलविदा। लौटते हुए अपने रास्ते पर उसे दूसरा द्वारपाल मिला। मेरे दोस्त, एक चूहा है जो पेड़ की जड़ों को कुतर रहा है और इसीलिए पेड़ पर सोने के सेब नहीं उग रहे हैं। खुश होकर द्वारपाल पेड़ के पास गया और चूहे को दुत्कार कर भगा दिया। पेड़ पर तुरंत सोने के सेब उगाए। इस खुशी से पूरे शहर ने लियो को दो सोने से भरे थैलों का उपहार दिया। अब समय आ गया था पहले द्वारपाल के प्रश्न का उत्तर देने का। एक बहुत बड़ा मेंढक फव्वारे के नीचे रह रहा है, उसे दुत्कार कर भगा दो तो फव्वारा फिर से तुम्हें दाख मधु देने लगेगा। ओ, ये कितना शानदार फव्वारा था। उस शहर ने भी लियो को चार सोने के थैलों का उपहार दिया। लियो ने अपना उपहार स्वीकार किया और महल के लिए निकल पड़ा। जब राजा ने सोने के थैले लेकर लियो को आते हुए देखा तो वो लालच से भावुक हो उठा। ओ, मेरा दामाद वापस आ गया है। मैं तुम्हारे बारे में इतना चिंतित था। मुझे ये बताओ कि तुम्हें ये सोना कहाँ से मिला? लियो अब जानता था कि राजा कितना दुष्ट है। शैतान के रास्ते पर वहाँ एक नाविक है। तुम्हें बस ये करना होगा कि तुम उसकी नाव पर सवार हो जाओ, उसके चप्पू लो और जल्दी नाव खेकर दूसरी तरफ जाओ। दूसरी तरफ वहाँ सोने के मैदान हैं। राजा शीघ्र ही नाविक की तरफ चल पड़ा। बिना दोबारा सोचे उसने नाव चलाने वाले के हाथ से चप्पू ले लिया। नाव चलाने वाला खुशी से नाच उठा और राजा को उसने अकेला छोड़ दिया। इस बीच लियो ने अपने असली माता पिता के बारे में सारा पता लगा लिया। दोनों ही वो किसान दंपति और वो दंपति जिसने उसे पाला पोसा था, उन्हें महल में निमंत्रित किया गया। भविष्यवाणी सच हो गई। लियो पूरे शहर के लिए खुशकिस्मती और खुशहाली लाया था। और जहां तक उस लालची राजा का सवाल है, ये माना जाता है कि आज भी अकेले ही आर पार नाव चला रहा है, क्योंकि किसी को उससे चप्पू लेने की हिम्मत नहीं हुई।